नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। श्रावण के महीने के 21वें दिन तक हम आप पहुंच चुके हैं। 20 दिन तक के उपाय हमने आपको बताए हैं। 20 दिन लगातार हमने आपको शिव मंदिर के दर्शन भी करवाए हैं और बहुत ही चमत्कारी मंदिर, ताकि आप अपने घरों में बैठ करके सारे पूर्ण कर सकते हो। 21वां दिन यानी 14th August सैटरडे यानी शनिवार का दिन है। शिव और शनि बहुत ही कल्याण करेंगे आपका। हम बात आपको मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, आप मंदिर के दर्शन कीजिए, तब तक हम आपको नाम भी सुनाएंगे। बोधेश्वर मंदिर जो कि उन्नाव के बिलहोर में है, बोधेश्वर मंदिर आप दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं रखिए। और हम बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, जो आज की वीडियो का पहला नाम है, लेकिन वैसे नंबर पर चलते हैं तो 67 नंबर का यह नाम है। लेकिन जो मंत्र आपको आज के दिन बताया जाएगा कि आपने 14th अगस्त को कौन सा मंत्र जाप करना है, वो ही करना है, आपने ये ध्यान रखना है। तो 14th अगस्त का आपको मंत्र कौन सा मिलेगा, सैटरडे का दिन, शनिवार का दिन, कृतिवासा यानी 67 नंबर का ये नाम है। भगवान भोलेनाथ का 108 नाम में से 67 नंबर के नाम पर हम पहुंच चुके हैं। गज चर्म पहनने वाले, कृतिवासा को कहते हैं गज चर्म पहनने वाले, पुराराती यानी पुरों का नाश करने वाले भगवान, सर्व समर्थ ऐश्वर्य संपन्न यानी आपके पास खुशियां ऐश्वर्य, भगवान यही तो है जो आपके एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ओरा, खुशियां, तरक्की, इज्जत, शोहरत, सब कुछ है भगवान के पास, बस हमें उनसे पाना है। प्रथमाधिप, प्रथम गणों के अधिपति, अगला नाम है 71 नंबर का नाम है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले। अब कौन से मंत्र का जाप आपने करना है और 3 बार करना है दिन में, लेकिन एक एक माला करना है, समय का ध्यान रखना है। और आपने अगर जाप करना है तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजना है, ये ध्यान रखिएगा, आपको बड़ी एनर्जी मिलेगी इसी से। ये जितने नाम की हम चेन बनाते हैं, एनर्जी वहीं से मिलती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आप शुरू से लेकर के सारी वीडियोस को स्प्रेड जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितना कोई नाम लेगा उतना ही आपको एनर्जी, क्योंकि वो माध्यम आप होंगे। जैसे मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाई, आपने आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है। ओम भगवानाय नमः, यानी सर्व कल्याण चाहिए तो ओम भगवानाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। सुबह सूर्य उदय से लेकर के लगभग 1.25 घंटे तक ये जाप कर सकते हैं। सूर्य अस्त का जो टाइम है, सूर्य अस्त से लेकर के लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और रात का जो जाप है वो 11 बजे से लेकर के 11:45 तक आप इस जाप को कर सकते हैं। आपको खूब एनर्जी मिलेगी, आपके सारे लाभ होंगे, जितने कष्ट है वो सारे कट जाएंगे। एक एक करके जो हम पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं ना, ये सारी शक्तियां हैं जो आपके नजदीक आती जा रही हैं। तो देखा आपने, आज की वीडियो बहुत चमत्कारी है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कल की वीडियो को आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय।